नमस्कार देशित, यानी कि वो खबरें जिनमें छिपा है आपका हित और इस देश का हित। मैं हूं सचिन। नमस्कार देशित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। देखिए खबरें तो आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन कैसे देश का हित मतलब आपका हित छिपा है वो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज का शो देश हित आपको बताएगा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों का। यूपी के बुलंदशहर में हिंसा के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर समेत दो की मौत, सियाना में उग्र भीड़ ने फायरिंग। बुलंदशहर हिंसा की जांच एसआईटी करेगी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा गोकशी के शक में लोगों ने किया प्रदर्शन। जम्मू के कठुआ में गो तस्करी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, इलाके में तनाव। राजस्थान के चुनावी संग्राम के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की जी न्यूज से खास बातचीत, कहा राजस्थान में सत्ता बदलने की परंपरा तोड़ेगी बीजेपी। जी न्यूज से बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, इसलिए कांग्रेस ने देश को भी किनारे कर दिया। हिंदू ज्ञान पर राहुल गांधी को पीएम मोदी का जवाब, कहा हिंदुत्व ज्ञान का भंडार मेरे पास है, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया, नामदार कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत के विकास के लिए अल्पसंख्यक का खेल नहीं होना चाहिए, कुर्सी बचाने के लिए आरक्षण देने का खेल संविधान का अपमान। राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना में केसीआर एआईएमआईएम को हराएंगे, फिर 2019 में नरेंद्र मोदी को केंद्र से हटाएंगे। पीएम मोदी और योगी पर वैसी भाइयों के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा वोट बैंक की राजनीति बंद नहीं की तो भाग नहीं होगा। पंजाब कैबिनेट की बैठक में सिद्धू के इस्तीफे पर कोई चर्चा नहीं, बैठक में सीएम अमरिंदर सिंह ने भी विवाद पर कोई बात नहीं। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर बड़ा हमला, जी न्यूज से बातचीत में कहा कांग्रेस ने हमेशा जाति और मजहब के नाम पर लड़ाया है। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान को लगा मोनी बाबा का शासन है और उड़ी में आतंकी भेज दिए, जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला ले लिया। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, आय से अधिक संपत्ति का आरोप। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त हुआ एनजीटी, केजरीवाल सरकार पर लगाया 25 करोड़ का जुर्माना। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन की मांग, सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कोर्ट ने कहा ऐसे मामले को कोर्ट में तय किए जाने की जरूरत नहीं। यूपी में होगी टीचर्स की बंपर भर्ती, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म।